नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। कोरोना वायरस भगाने के लिए जैतूसाव मठ में हवन, 37 दिनों तक होगा इस मंत्र का जाप। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक दवा की खोज में जुटे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना को भगाने के लिए हवन का आयोजन किया जा रहा है। यह हवन 37 दिनों तक रायपुर के जैतूसाव मठ में चलेगा। हवन के दौरान यहां हर दिन रामचरितमानस पाठ के बाद महामृत्युंजय का भी जाप किया जाएगा। रायपुर के इस्पात फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा गर्म लोहा, 10 घायल, 4 गंभीर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक इस्पात फैक्ट्री में एक हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूर का रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायलों में 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खमतराई पुलिस ने क्रेन ड्राइवर सहित फैक्ट्री मालिक और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही के तहत केस दर्ज किया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उड़न दस्ता के 4 दल का गठन, शराब साड़ी कंबल वितरण पर होगी पैनी नजर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता के 4 दल प्रत्याशियों के खर्च एवं प्रचार की निगरानी करेंगे। शराब साड़ी कंबल जैसी वस्तुएं ना बांटने पाए, इस पर उड़न दस्ता दल की विशेष निगाह रहेगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उड़न दस्ता दलों का गठन किया है। राजधानी में मासूम के साथ दरिंदगी, युवक गिरफ्तार। राजधानी में बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई है। धरसीवा के चरौदा गांव में एक दरिंदे ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। धरसीवा के चरौदा गांव की इस वारदात में युवक ने बच्ची को अपने घर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, पुलिस कर रही हर एंगल से जांच। जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक जवान ने आत्महत्या कर ली है। 47 वर्षीय जवान मदन गौरकर एसएसपी का ड्राइवर था, जिसने अपने ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। पुलिस को फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। दुर्ग के नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, बिना लाइसेंस के हो रहा था संचालन। दुर्ग जिले में बिना लाइसेंस अस्पताल चलाने वाले 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। CHMO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इन निजी नर्सिंग होम संचालकों को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल सिलेबस में भी कटौती का ऐलान, CBSE ने की है 30% कटौती की घोषणा। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE भी CBSE की तर्ज पर सिलेबस में कटौती करेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने बयान दिया है कि स्कूल देर से खुलेंगे, इसलिए सिलेबस में कटौती करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन इस काम में जुट गया है। कोरोना काल के चलते सिलेबस में ये कटौती की जाएगी। आपको बता दें, कोरोना के मद्देनजर CBSE ने 30% सिलेबस कटौती का पहले ही ऐलान कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन की होगी जांच। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जाँच करेगी। 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 22,752 मामले, COVID-19 से 482 मरीजों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 422 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,42,417 हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इसमें 2,64,944 सक्रिय मामले हैं। फिर सस्पेंड हुआ पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट।
आयर रोहतगी का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है। इस बात का पता चलने पर पायल ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा ट्विटर इंडिया ने उनका अकाउंट बिना किसी रीजन के क्यों बंद किया। हालांकि उन्होंने लिबरल्स पर इसका आरोप लगाया है और फैंस फॉलोअर्स से अपील करते हुए कहा है कि वे उनके अकाउंट को वापस शुरू करने की मांग करें। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।